और इंडिया में ऑलमोस्ट 4 लाख सब्सक्राइबर है। उसको सब्सक्राइब करने में आपको एक पैसा खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यू गेट साइन ऑफ। आप जो खर्चा करते हैं, आप पैरासिटामोल का गोली खरीदते हैं, आप अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, एनी ऑनलाइन पोर्टल्स जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं, आपके खर्चे पे हम आपको 1 से 16% का कैशबैक जनरेट कर देते हैं। और इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं, कम्प्लीटली फ्री। सपोज आप अमेजोन, जोमेटो, कोई भी ऑनलाइन पोर्टल में जाइए, देर इज अ सब्सक्रिप्शन चार्जेस फॉर 3 मंथ या 1 ईयर। हाँ, मैं आपका अमेजोन का ही प्रोडक्ट मेरे पोर्टल में दूंगा, आप लिंक में क्लिक कीजिए, अमेजोन में डाइवर्ट होगा। अमेजोन का प्रोडक्ट कॉस्ट मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट सेम है, क्योंकि मैं आपको अमेजोन में डाइवर्ट करती हूँ। आप पैसा दीजिए अमेजोन को, प्रोडक्ट लीजिए हमसे। मैं एग्जांपल अमेजोन बताया, इस टाइप का 1200 पोर्टल्स, ऑनलाइन पोर्टल्स। आपको घर में पंडित जी चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, प्लम्बर चाहिए, एनीथिंग। तो आपके खर्चे में आप वहाँ से सामान खरीदें, योर ब्रांड योर बजट, और आप वो प्रोडक्ट को लेके हमको थोड़े कागज दीजिए, उसका बिल जो है बिल सबमिट कीजिए। नेक्स्ट मंथ 15 to 20 आपके वॉलेट में पैसा आ जाएगा, जो पैसा 100% यूज कर सकते हैं, बैंक में उपयोग कर सकते हैं, या आप कोई भी सामान कर सकते हैं। यह है इंटरेस्टिंग, क्वाइट अ यूनिक। हाँ, यूनिक तो बोला जी, यूनिक कुछ नहीं है, बाजार का प्रोजेक्शन को उठा के ही अपना एक स्ट्रेटेजी बना के, क्योंकि इंडिया में दो चीज़ चलता है, एक फ्री चलता है। 2016 में हम लोग हाफ हाफ किलोमीटर लाइन देके जियो का सिम उठाए थे, 8 नवंबर के बाद नोटबंदी के बाद हम ही लोग गाली दिए थे ना, भाई गलत काम कर रहे हैं। तो इंडिया में फ्री चलता है, तो वही फ्री, और फ्री में भी हम एक्स्ट्रा कैश रखते हैं। छवि जी, आप किस तरह से हिस्सा बनी इसका, प्लीज सेंटर में आप। मैं मुझे जब ये कॉन्सेप्ट सुनाया गया था तो मुझे बहुत ही यूनिक है, जैसे आपने बोला है, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। ऑफकोर्स बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, बट उसके साथ साथ जो मुझे लगता है कि लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की और एम्प्लॉयमेंट देने की और बढ़ाने की जो इन लोगों ने कोशिश की है और जो करते आ रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। अभी जो आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा, आई बिलीव हम आज लॉन्च कर रहे हैं, एंड सब ब्यूटिफुल डेज, सब वेरी ऑस्पिशियस डेज डे पर वो वीडियो लॉन्च होगा, आप सभी देखेंगे। उसमें बात भी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की और बनने की हो रही है। तो जब मेरे पास ये कॉन्सेप्ट आया था तो मैं ना ही नहीं बोल सकती थी, क्योंकि एक अच्छे कॉज को सपोर्ट करना, उनका आगे आना, ऐसे थॉट्स का आगे आना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, जहाँ पे हर इंसान हर तरीके से अपना फ़ायदा देख रहा है। वहाँ पे एक थॉट लेकर आना और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के माध्यम जनरेट करना, अपॉर्चुनिटीज देना, ये बहुत बड़ी बात है। एंड दैट क्रेडिट गोज़ टू यू फॉर कमिंग अप विद दिस थॉट एंड क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल, ऑल्सो फॉर वुमेन। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप हाईली एजुकेटेड हैं और आप कम एजुकेटेड हैं, नो। सबके लिए, सबको बराबरी का इसमें सबकी भागीदारी होती है। तो मुझे बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा, तो मैंने हाँ बोला और मैं भी जुड़ गई इनके साथ। मैं तो अभी आपको शॉपिंग के बारे में बता रहा था। एक्सवर्ल्ड, आपने जैसा छवि जी बोले अभी, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कैसे कर रहा है, सपोज रूरल इंटीरियर टू इंटीरियर गाँव में कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप को, कुछ महिला है, आपका फिनाइल बना रहे, सैनिटरी नैपकिन बना रहे, तो एक्सवर्ल्ड से ई कॉमर्स साइट हम लोग करके आ रहे हैं। उनका इंटायर प्रोडक्ट सर, लुक सेंटर, उनका इंटायर प्रोडक्ट हम लोग उठा ले रहे हैं एंड उठा के सेल कर रहे हैं। जिसमें क्या हो रहा है, जो वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर एक बड़ा फोकस हम लोग करते हैं। और इसमें और एक चीज़ है, सपोज यू आर मेकिंग अ रिचार्ज फ्रॉम जियो, आपने रिचार्ज करा 250 रुपये का रिचार्ज, आप कोई भी UPI ऐप से कीजिएगा तो एक्स्ट्रा 2 रुपये लगता है। आप हमसे करोगे आपको मिनिमम 2% से मैक्सिमम 4% देंगे। मजे की बात क्या है, आपने रिचार्ज कर, अच्छा लगा, आपने मेरे को बोला, मैं आपके रेफरल लिंक से मैंने रिचार्ज करा, मेरे को जो मिला आपको एक्स्ट्रा मिला। तो देयर इज अ रेफरल मार्केटिंग ऑल्सो, तो दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग गुड। बट सर, हाउ दिस आईडिया स्ट्राइक, कैसे आया, कैसे आइडिया आ जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से तो आइडिया आ जाता है। काफी बहुत परेशान कर रहे थे आपकी
बेसिकली मैं माई सेल्फ प्रैक्टिसिंग चार्जर हूँ, तो मैं लास्ट 20 साल से मैं खुद को नेटवर्कर समझता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। और आइडियाज वेरियस, इंडिया तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी का देश है, कहीं भी चल जाइए देखिए इंडिया जुगाड़ टेक्नोलॉजी चलता है। तो वेरियस जगह से आइडिया अगर आप ग्रैस्पिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आइडियाज, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है। सर व्हाई छवि फॉर दिस प्रोजेक्ट? देखिए छवि इज प्रीटी लुक है, मैंने इसका कुछ सीरियल्स देखे एंड मैं छवि को पर्सनली नहीं जानता था, दैट मींस क्या मैं आपको बताया जो वुमेन्स एम्पावरमेंट को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मेरा बेटा भी है, मैं बच्ची को आगे लेके आया हूँ, तो सीजन से बच्ची मेरे लिए। अभी सॉरी मैं सर को बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, और आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे कि भाई छवि, मुझे लगता है कि जैसे अभी सर ने बहुत ही अच्छी बात कही कि छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे शहरों में फीमेल कोई विमेन जो है फिनाइल बना रही हैं या कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर रही हैं, वो ऊपर नहीं आ पा रही है या उनके पास एम्प्लॉयमेंट का कोई सोर्स नहीं है, एंड ही बिकेम द सोर्स ऑफ यू नो ऑफ दोज वुमेन। दैट्स अ वेरी गुड थॉट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दैट आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन लाइक यू। हाँ वो था एक टाइम पे जो पटना छोटा था, अभी तो बहुत काफ़ी इम्प्रूव हो गया है भगवान की कृपा से। तो मैं खुद भी छोटे शहर से हूँ और मैंने भी बहुत हर्डल्स अपनी लाइफ में देखी है, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने अपनी लाइफ में, तब हमारे टाइम पे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी यू नो। तो आज जब मैं वहाँ से निकल करके मैंने अपनी पूरी जर्नी मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे कुछ पता ही नहीं था और मैंने तय की है वो दूरी, तो कहीं ना कहीं से मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन तब वो कहते ना अपॉर्चुनिटीज कम थी। लेकिन आज के टाइम पे जब ऐसे लोग सामने आएंगे अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेगा यू नो और एक्सपैंड होगा, तो मेरे ख्याल से लोगों को आगे आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं मुझे लगता है, और कुछ ऐसी चीज़ें नाउ डेज सोशल मीडिया ज़माना लोग कहते हैं, तो आप सोशल मीडिया में देखेंगे कि गाँव के बच्चे ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं जो हम डांस इंडिया डांस या बड़े बड़े यू नो प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, और फिर हमें लगता है कि ये टैलेंट कहाँ है, पर पता चलता है कि किसी गाँव में वो ग्रुप बना करके यू नो दे आर ट्राइंग टू शो देयर टैलेंट, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली। अब इस सोशल मीडिया के ज़माने में उनको आगे आने का मौका मिल रहा है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि लोग के पास एम्प्लॉयमेंट आए, लोगों के पास रोजी रोटी का एक माध्यम बने, तो कितनी अच्छी बात है ये। ऑल्सो आपकी जर्नी से भी बहुत जो महिलाएं वो इंस्पायर होती है, तो वो भी एक रीज़न है उस मानती है। मैं बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि मुझे अगर कोई ऐसे जुड़ना चाहता है इस चीज़ से, मैं डेफिनेटली जुड़ूंगी इस कॉज के लिए स्पेशली, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मुझे मौका मिला, कोई पीछे न रह जाए जिसके पास टैलेंट है या जिसके पास कहते कि सोर्स नहीं है कि वो आगे कैसे आए या अपना घर कैसे चलाए, तो मुझे लगता है कि जैसे मेरी जर्नी रही वैसे उनकी भी जर्नी, तो एंड आई बिलीव कि ऐसे और भी लोग आएंगे ऐसे बढ़िया डिफरेंट थॉट्स के साथ और कुछ कमाल का करेंगे और अपने देश को बेहतर बनाएंगे। किस तरह का आगे सोच रहे आगे करने वाले कितना कुछ एक्सपेक्ट करें कि ये चीज़ें हो सकती है? एक्चुअली मैं आपको पहले बताया कि हर इंसान का एक सोच होना चाहिए भाई देश को आगे बढ़ाने के लिए, और कोई भी शासक से या प्रशासक से देश आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आम पब्लिक आगे नहीं आएगा। वी आर हियरिंग दैट हम लोग अभी 5th-5th सुपर पावर है, तो सुपर पावर हम लोग 3 में जाएंगे। हाउ 140 करोड़ आबादी है ना, तो अगर हम जॉब क्रिएशन में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जीडीपी ग्रोथ होगा, कल थर्ड में पर हाँ शायद हम लोग बहुत जल्दी 1 नंबर में आ जाएंगे। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट का रूल्स है, गवर्नमेंट का जो नोडल अथॉरिटीज है उनको कॉम्प्लायंस करते हुए, स्टैटू कॉम्प्लायंस करते हुए हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। We have started initially small LLP companies, then we have converted it into private limited, then we are converting into public limited unlisted, and 2025 में हम इसको लिस्टिंग करने जा रहे हैं। एक जनरल सवाल पूछा जाए कि नॉर्मली जो कंपनी स्टार्टअप होती है स्पेशली वो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चल पा रही है, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या नहीं कैसे नहीं चल पा रही है? फ्लिपकार्ट तो इंडिया से इंडिया का कंपनी है, तो वो तो डिपेंड करता है जो किसका विजन क्या है, इसका विजन क्या है। रिलायंस भी 50 साल पहले स्टार्टअप था, तो वो तो डिपेंड करता है एंटरप्रेनर्स जो है जो इसको पीछे से प्रमोट कर रहे उनका क्या विजन है।
20 years back, I have resigned a multinational bank as vice president. A VP position, 20 years back, मैंने resign करा था to become the entrepreneur. That time, I was in a network marketing company, मैं नाम नहीं लेता हूँ. 1,25,000 की सैलरी था. अब सोचो 20 साल पहले अगर मैं कोई एवी पोजिशन इंटरनेशनल बैंक आज के दिन वर्ल्ड के नंबर वन बैंक अगर छोड़ मैं नहीं छोड़ता तो मैं सीईओ बनता उसका अरबों रुपया सैलरी होता मेरा क्या कर देते दो ड्राइवर चार मेड दैट डे आई टुक द डिसीजन यह को करना है तो कर तो एक लंबा जर्नी चलते गए आज बहुत कोई साथ में आप लोगों से मिली तो ये तो डिपेंड करता है आपका सोच क्या है आपका विजन क्या है एस यू सी डिवाइन नेटवर्क मार्केटिंग तो अभी जो एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे क्या लगता है कितना कुछ सर ये कंप्लीट एआई बेस्ड है अच्छा अच्छा कंप्लीट एआई बेस्ड उससे कितना आगे फायदा हुआ क्या लगता है इंडिया को कितना एकदम सर एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी आगे आ रहा है सर अभी तो हर जगह में आपको खाना खिलाना छोड़ के एवरीवेयर एआई तो यही सब मैं वही बात शुरू किया था कि आज से 10 साल पहले स्मार्टफोन मार्केट को टेक ओवर किया था अगला 20 साल या एक अगला 20 ईयर्स और वो आप हर सेक्टर देख लीजिए छोटा सा कोई छोटा सा सेक्टर से लेकर बिग सेक्टर तक एवरीवेयर इज या छोटे पे कंपनी सर जो जिंगल बना हुआ उसके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे जो आज जो लॉन्च करेंगे यहाँ पे कुछ कह दे तो देखिए जिंगल का कंपोजिशंस जो है एवरीथिंग जो है वो तो जिनका आपका स्किल है वो आपने बनाया मेरा एक ही सोच था उनको बताने के जी भाई देखो वी आर प्रमोटिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट वी आर प्रमोटिंग आत्मनिर्भर भारत उसको प्रमोट करके वेस्ट करके बनाना है और इसको 15 अगस्त लॉन्चिंग इससे अच्छा दिन हो ही नहीं सर